हाय, जय हिंद, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कर्रा और लेकर आया आपके सामने वही शो, आपका अपना शो। कोविड के केसेस कम होते जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको एक चेतावनी भी दे रहा है कि कोविड अभी गया नहीं है। कुछ ऐसी चेतावनी मिली है बेंगलुरु में। कर्नाटका के इस सिटी में क्या हुआ है आप जानकर हैरान हो जाएंगे, और ये सबक है बाकी लोगों के लिए भी जो ये मानकर चल रहे हैं कि कोविड जा चुका है या कोविड ख़त्म हो गया है। दोस्तों, दो एग्जांपल हैं, दोनों वहीं के हैं, बेंगलुरु के। एक नर्सिंग कॉलेज है, ये है आरटी नगर में, जहां पे 42 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं नर्सिंग कॉलेज के, और इसमें से 70% इस कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हैं 70% कॉलेज केरला के हैं। अब आप समझिए कि महाराष्ट्र और केरला में ये सबसे ज़्यादा केसेस चल रहे हैं, और यही महाराष्ट्र केरला पूरे इंडिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं धीरे धीरे, समझे आप। तो हम इंडिया को तो देख रहे हैं कि इंडिया में बाकी जगह पे केसेस कम हो गए हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर ये दो स्टेट बची रह गई तो दोस्तों इंडिया कभी भी कोरोना मुक्त नहीं हो पाएगा। हो सकता है वापस से कोई सेकंड वेव आ जाए, वापस से टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आए, वापस कोई नया स्ट्रेन आ जाए, म्यूटेशन आ जाए। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि, और ये एग्जांपल आपके सामने है, नर्सिंग कॉलेज में जहाँ 70% स्टूडेंट्स केरला के थे, 42 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं और इनका ट्रीटमेंट चल रहा है विक्टोरिया हॉस्पिटल में। ये तो पहली एक क्लस्टर आपको बताया जो मिला है वहाँ पे। दूसरा क्लस्टर जो मिला है, जो दूसरा एक सुपर स्प्रेडर इवेंट हुई, और ये हुआ है बोमनहली, यही नाम है इसका, बोमनहली। वहाँ पे एसएनएन राज लेक व्यू अपार्टमेंट, नाम से लग रहा कोई रिच अपार्टमेंट, और वहाँ पे 1058 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें से 103 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, और उसमें से 90% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। क्यों हुआ ऐसा मालूम है? क्योंकि वहाँ पे एक क्लब हाउस है जहाँ पे लगातार कई दिनों से फंक्शन हो रहे थे, गेट टुगेदर हो रही थी। पता नहीं अब कारण क्या था गेट टुगेदर का, कोई फैमिली फंक्शन थे क्या थे, लेकिन गेट टुगेदर वहाँ पे हो रही थी क्लब हाउस में, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैला और एक सौ तीन लोगों को पॉजिटिव आ गया। और अब वहाँ पे सभी घरों को वो कर दिया गया, उनको बोला गया कि होम क्वारंटीन के लिए, और है ना प्रॉब्लम वाली बात। हम लोग जहाँ ये बड़े खुश हो रहे हैं कि सब ख़त्म हो गया है, कोविड चला गया है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होंगी, इस तरह से अचानक एकदम से, इसको बोलते हैं सुपर स्प्रेडर इवेंट, जहाँ एक ही जगह पे इतने सारे केसेस आ जाएं, तो वो जो इन्होंने पार्टियाँ करी क्लब हाउस में, उसका नतीजा ये निकला जो आपके सामने है। क्योंकि साउथ इंडिया में अभी भी कोविड के पेशेंट बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहे हैं, स्पेशली केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका। यहाँ पे कर्नाटका में हालांकि काफ़ी केसेस कम हो चुके थे, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र और केरला से अगर ये केसेस कम ना हुए तो बाकी जगह से भी आप उम्मीद मत रखिएगा कि केसेस ख़त्म हो जाएंगे। एक भी अगर पेशेंट बचा रह गया पूरे इंडिया में तो वो ख़तरनाक हो सकता है, एक भी पेशेंट अगर पूरे वर्ल्ड में बचा रह गया वो ख़तरनाक हो सकता है। तो दोस्तों अभी भी प्रिकॉशंस रखिएगा, मैं आपसे बार बार यही बोल रहा हूँ, प्रिकॉशंस रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि किस्मत के सहारे मत छोड़ दीजिएगा। और इस समय लोग थक गए हैं, लोग एंजॉय करना चाहते हैं, शायद कुछ लोगों को लगता है वैक्सीन आ गई है, कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवा भी ली होगी, इस वजह से भी थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं लोग वैक्सीन लगवाने के बाद, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वैक्सीन की सेकेंड डोज के भी 2 हफ्ते बाद इम्यूनिटी आपके अंदर पूरे ढंग से बननी शुरू होती है। तो वैक्सीन लगाने के बाद भी आप दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकते हो, ट्रांसमिशन रोक नहीं सकती वैक्सीन, थोड़े हद तक ही रोक सकती है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स जो बेंगलुरु में हुई, और यही एग्जांपल है आपके लिए भी कि आप भी अपना ध्यान रखिए, और थोड़ा सा अभी 2-3 महीने और प्रिकॉशन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच, आपका अपना मुना भाई MBBS। बाय बाय दोस्तों।